बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बैंगन, फ्राई बैंगन। तो हमने ये दो बैंगन ले लिए। अभी फ़िलहाल मैं आपकी वीडियो के लिए सिर्फ दो बैंगन बना रही हूँ ताकि पता चल जाए कि कैसे फ्राई होते हैं। इसको हम धोकर अच्छी तरीके से इसकी डंडी के साथ ही इस तरह काट लेंगे। ताज़े ताज़े बैंगन होंगे, फ्रेश, तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर रखे हुए बैंगन होते हैं तो वो ज़रा बनने में सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे बैंगन ले लेंगे और इसमें हम कट लगा लेंगे। ताकि इसमें अगर हम मसाला भरें तो अंदर चला जाए। गर्मी शदीद है, इसलिए शदीद गर्मी में कोई भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए दिल नहीं करता कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो। तो उसके लिए हम ये सादी सादी रेसिपी जो है, सिंपल सी हम बना सकते हैं। इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये हमने इसमें कट इस तरह लगा लिए हैं। इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हम लेंगे सबसे पहले तकरीबन 2 स्पून हम ये वाले पिसा हुआ धनिया ले लेंगे। इसमें हम नमक हसबे जायका डाल देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। वैसे जितना मसाला आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। चिली फ्लेक्स ले लेंगे 1 स्पून, थोड़ा चटपटे भी बन जाएंगे। और इसकी खटास के लिए हम इसमें हम कोई सा भी चाट मसाला ऐड कर लेंगे। बेसिक इसमें चाट मसाले ही है। इसको हम अच्छी तरीके से ही मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरीके से जो हमने कट लगाए हैं उसमें डाल देंगे। अगर आपको खटाई ज़्यादा खानी है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको कम खाना है तो आप कम लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। हमारे इंटीरियर स्विंग में ज़्यादातर इसी तरीके से बैंगन खाए जाते हैं और गर्मी में अच्छे भी लगते हैं। इनका रायता बना के आप खाएं, इनको आप फ्राई करके खाएं, सिंपल भी फ्राई करके हल्का सा नमक मिर्च लगा के आप इसको खा सकते हैं। हमने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। ये हम इसमें रख देंगे। अब ये इसमें फ्राई होते हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे हम इसे पलट देंगे। आइए अभी इसके साथ हम रोटी और पराठा बनाते हैं।
अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं दही की लस्सी। हमने 2 से 3 चम्मचे हमने दही के लिए, हमने बहुत गाढ़ी लस्सी नहीं बनानी, हमने पतली पतली लस्सी बनानी है। दही को हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी लेंगे। इसमें हम थोड़ा, अच्छा आप मीठी भी बना सकते हैं, आप फीकी भी बना सकते हैं। इसमें हम बना रहे हैं इस टाइम नमकीन, तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। हम ग्लास में बर्फ डालेंगे क्योंकि लस्सी हमें चाहिए ठंडी, तो हम बर्फ अच्छी खासी डालेंगे। इस तरीके से एक बड़ा गिलास हमने ऐसे बना लिया है। देखिए ये लस्सी तैयार है हमारी। अब हम ये फ्राई बैंगन, लस्सी और पराठा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका ना, आप आराम से ये नाश्ता ब्रंच अपना कर सकते हैं। हमने आम भी काट लिए हैं और लस्सी भी बना ली है। आमों को हम ठंडा करने रख देते हैं। अब हम बनाते हैं पराठा। ये हमने घी ले लिया है, ये घी है गर्मी है तो जाहिर बात है वो पिघला हुआ है। हमारा ये बल वाला पराठा तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हीट वेव से बचें बचें बचें, लेकिन इस हीट वेव से कैसे कौन हमें बचाए, ये तो हमें बनानी है। क्योंकि हीट वेव से ज्यादा टेम्परेचर है इसका। इस तरीके से आप रोटी को बेल लें, ये पेड़ा बन जाएगा इस तरीके से बल वाला। हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, रोटी आपकी चकोर बने, गोल बने, जैसी भी बने आप बना सकते हैं। क्योंकि रोटी प्रैक्टिस से ही आती है, बनाते रहेंगे रोटी अच्छी हो जाएगी, गोल भी हो जाएगी, चकोर भी हो जाएगी। ये जी जी हमारे हो गए हैं बैंगन तैयार, फ्राई बैंगन है ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और इसके साथ हमने पराठा रोटी भी बना ली है और आम भी काट लिए हैं, ये भी है। बहुत सादा सी रेसिपी है, आप लोगों को यह पसंद आए तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आपको हमारी ये सादा सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह सबके खानों में बरकत दे और शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।